क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 01-22-901-701 पर। पारस, मैं कह रही थी कि लॉकडाउन बढ़ने वाला है तो हमें घर का राशन, दाल, चावल ये सब स्टॉक में लेके रख लेना चाहिए। जाके लेके आ? आप भी चलिए ना, वो बहुत सामान है ना, तो अकेले नहीं उठा पाऊंगे। हाँ? क्यों, तू तो इतना खाती पीती है फिर भी बदन में ताकत नहीं है क्या? जाके अकेले लेके आ। और हाँ एक बात और, 7 बजे आज घर पे मेरे दोस्त बोर्ड गेम खेलने आने वाले हैं, ठीक है? तो जल्दी जाना और जल्दी आना, जा। पारस, सामान तो मैं कैसे भी करके मैनेज कर लूंगी, लेकिन पैसे? तुझे पता है ना कि अभी मेरे पास ना तो नौकरी है और ना ही पैसे, तो ये सब सुनाकर मुझे तू ताने मार रही है। आप गलत समझ रहे हैं। मुझे अच्छे से पता है तेरा क्या मतलब था। ताने मारेगी मुझे? मैं भी देखता हूँ कब तक ताने मारती है। बहुत जल्दी ये लॉकडाउन खत्म होगा और एक बार फिर से मेरे पास नौकरी होगी, फिर से मैं पैसे कमाऊंगा और तब लाकर तेरे मुंह पर मारूंगा मैं पैसे, पैसे। समझ गई? ओ कंगन दिखा, ये तेरे बाप के मेरे आदरणीय ससुर जी के दिए हुए कंगन है ना। एक काम कर, जब तक ये लॉकडाउन है और मेरे पास पैसे नहीं ना, तब तक ये कंगन बेच दे और जाकर घर का खर्चा चला। जा। और हाँ सुन, तुझे बोला ना कि ठीक 7 बजे मेरे दोस्त घर पर बोर्ड गेम खेलने आने वाले, इसलिए ठीक 7 बजे तो मुझे घर पर चाहिए। हाँ जी जी। चल एक काम करते हैं, देखिए ग्रीन येलो जाएगा, ठीक है? येलो तेरा और सबसे अनु का भी आ गए आप। 100 साल की उम्र है आपकी, अभी हम आपको याद कर रहे थे। क्यों सागर भाई? एक काम कर, जल्दी से किचन में जा और भजिया बना कर ला। जी मैं अभी बना कर लाई। अरे भाभी लाइए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। नहीं मैं कर लूंगी। नहीं नहीं आप लाइए, मुझे सामान दीजिए। थैंक यू। सुनना, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। आपको कुछ और हेल्प चाहिए ना, आप बेझिझक बताना। नहीं नहीं थैंक यू। सागर भाई। हाँ? अब क्या भजिया भी तुम ही तलोगे? नहीं। सागर भाई आप हमारे गेस्ट हो, हाँ? और गेस्ट को चाहिए कि बाहर आराम से जाकर एंजॉय करें, बैठे। चलिए हम लेकर आ रहे ना। वो राशन की दुकान में ना बहुत भीड़ थी, इसलिए देर हो गई। मैं 5 मिनट में भजी बना के लाती हूँ। कोई दर्द नहीं है, तू यहीं रहेगी, मैं यहाँ से नाश्ता लेकर बाहर जाऊंगा, समझ गई ना? जी। अनुराधा भाभी, अच्छा हुआ आप मिल गईं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ सागर जी बोलिए ना। एक्चुअली क्या है कि उस दिन पारस भाई ने पैसे लगाकर खेलने की जिद करी और मैंने मना भी नहीं कर पाया,
लेकिन मुझे जुआ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए पैसे आप रख लीजिए। अरे नहीं नहीं सागर जी, पारस को पता चल जाएगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है भाभी, मैं पारस भाई को मनाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा चलिए भाभी, मैं चलता हूँ क्योंकि काम बहुत है, ऑफिस के साथ साथ घर का भी काम है। अब लॉकडाउन की वजह से मेड नहीं आती है तो सारा काम मुझे करना पड़ता है। और सच बताऊं मैं तो ये जली हुई खिचड़ी खा के ना पक गया हूं। सागर जी आप टेंशन मत लीजिए, आज आपको जला हुआ खाना नहीं खाना पड़ेगा, मैं आपको टिफिन पहुंचा दूंगी। थैंक यू सो मच, ये पैसे आप रख लीजिए अपनी फीस के तौर पे और मुझे बदले में अच्छा खाना मिल जाएगा। नहीं नहीं सागर जी, वो पारस को मेरा नौकरी करना पसंद नहीं है इसलिए मैं ये नहीं रख सकती। अभी मुझे पता है कि पारस भाई थोड़े पुराने ख्याल के हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आपको पैसों की जरूरत है। वैसे नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, और वो भी घर पे बैठे बैठे। ठीक है, लेकिन आप पारस से कुछ मत कहिएगा। ठीक है भाभी, मैं पारस भाई को नहीं बताऊंगा, पक्का। ठीक है मैं चलता हूँ। हेलो अनुराधा भाभी। हाँ सागर जी, क्या हुआ, टिफिन का खाना तो ठीक लगा ना? अरे ठीक नहीं भाभी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, इसीलिए मैं आपके लिए 5 नए कस्टमर्स लेके आया हूँ। 5 टिफिन का ऑर्डर और? हाँ, मेरे ऑफिस के कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरी तरह बैचलर हैं और खाना बनाना भी नहीं आता, तो फिर मैंने उन्हें आपके बारे में बताया तो फिर उन्होंने डिमांड की आपके टिफिन की। थैंक यू सागर जी, लेकिन आप तो नजदीक में रहते हैं इसलिए मैं टिफिन देने आ जाती हूँ, आपके दोस्तों को कैसे दूंगी? अरे आप उसकी फिक्र मत कीजिए, आजकल तो इतने सारे मोबाइल ऐप्स हैं, आप उनकी मदद से पूरे शहर में डिलीवर करवा सकती हैं। हाँ लेकिन डिलीवरी करने के लिए वो तो खाना घर पे लेने आएंगे ना, और पारस? उसका भी एक सॉल्यूशन है मेरे पास, आप सारे टिफिन मुझे दे देना, मैं डिलीवर करवा दूंगा। थैंक यू सो मच सागर जी। देखिए ना, मैं कबर्ड साफ कर रही थी और मुझे आपका पुराना वॉलेट मिला जिसमें 16,000 रुपए हैं। 16,000 रुपए? हाँ। अरे वाह, तूने तो सूखे कुएं में से पानी ढूंढ निकाला। I love you. एक काम करता हूँ, इसमें से ना घर का किराया निकालकर अभी जाता हूँ, आकाश के बच्चे के मुंह पर मार के आता हूँ और फिर शाम को ना सागर और जगदीश को बुलाकर पार्टी करूंगा, बोर्ड गेम खेलेंगे। सुनिए ना, हाँ? बुरा मत मानिएगा लेकिन ये आपके मेहनत के पैसे हैं, आपने दिन रात एक करके कमाए हैं। एक रिक्वेस्ट है, इन्हें ऐसे जुए में मत उड़ा दीजिए। कितनी अच्छी है तू,
मेरी गुलाबो कितनी फिकर करती है मेरी। अब तू इतने प्यार से कह रही है तो नहीं उड़ाता, पर एक काम तो जरूर करूंगा, उस जगदीश और सागर को नहीं बुलाऊंगा पर पार्टी तो करूंगा, और आज पार्टी करेंगे हम दोनों, और हाँ साथ में बोर्ड गेम भी खेलेंगे। बोर्ड गेम? लेकिन मुझे तो बोर्ड गेम खेलना ही नहीं आता। यार तेरा पति है ना, तुझे एक मिनट में सिखा देगा, और वैसे भी तू इतनी समझदार जो है। अन्नू कितना देर कर दिया तुमने, ये नाश्ता। मैंने कहा था ना कि जल्दी तैयार हो जाना, पार्टी करेंगे, चलो गेम जल्दी से शुरू करते हैं। ये खेलते कैसे हैं लेकिन? वेट मैं बताता हूँ। देखो ये पहले हम इसको यहाँ रखेंगे, उसके बाद तुम अपना डाइस चलोगी, ठीक है? मैं जीत गई। देखो मैंने तो पहली बार खेला, मैं जीत भी गई, अब फिर हार गए पारस। आज ना पता है मैं बहुत खुश हूँ, एक तो ये किराए का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ऊपर से हम दोनों साथ में गेम खेला और मैं जीत गई। पारस अब से ना मैं रोज खेलूंगी ये गेम। हाँ अनु तुमने रोज ये गेम खेलना, तुम कितना अच्छा खेलती हो। और अनु मैं एक काम क्या करूंगा, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी सहेलियों के लिए ना चाय नाश्ता बना के लाया करूंगा, ठीक है ना? नहीं फारस, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तो आपके साथ खेलने की बातें कर रही थी। मेरे साथ क्या करोगी खेल के? हाँ मैं कहाँ खेल पाता हूँ, मैं तो हमेशा हार जाता हूँ ना, मैं निकम्मा हूँ, निठल्ला हूँ, देखो ना अब कभी भी गेम में एक गेम तक नहीं जीत पाता, तो जिंदगी का गेम कैसे जीतूंगा? तुम शातिर हो, शातिर खिलाड़ी हो अनु, कितना अच्छा खेलती हो ना तुम ना तुम अनु एक काम करना, तुम अपने दोस्तों के साथ खेलना, बिल्कुल परफेक्ट मैच रहेगा। हाँ हाँ वो क्या नाम है उनका, सागर, तुम सागर के साथ खेलना, बड़ा मजा आएगा। मैं सर्व कर दिया करूंगा कुछ ना कुछ। हाँ और पता तुम्हें, अगर तुम सागर के साथ खेलते खेलते तुम हार भी गई ना, तो वो सागर तुमसे पैसे भी तो नहीं लेगा, क्योंकि तुम्हारा सागा जो है वो। अब कैसी बातें कर रहे हैं, सागर जी कहाँ से आए इसमें, अब क्यों ये सब बोल रहे हैं? बकवास कर रहे हैं ना, कितना नाटक और करोगे, बहुत हो चुकी तुम्हारी नौटंकी, अब अपनी नौटंकी को बंद कर दो, क्योंकि सब कुछ पता चल चुका है मुझे, सब कुछ देख लिया मैंने। आपको कोई गलत फहमी हुई है, आप पता नहीं क्या बोलते जा रहे हैं। जानना चाहती क्या देखा है? तुम ये सब करती रही और मैं समझ भी नहीं पाया। तुम रोज सुबह उठकर अपने इस पति को बेवकूफ बनाकर उस सागर के बच्चे को खाने का डब्बा पहुंचाती, खाने का डब्बा देने जाती थी उस सागर को। मत बनेगी तू। हाँ दरवाजा खोलिए, पारस जी आप दरवाजा खोलिए वरना मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा। भाभी क्या हुआ? सागर भाई मेरी बीवी को अपने बाहों में उठाकर ले जाने से पहले एक बार उसके पति से तो पूछ लिया होता।